वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त तुम सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैंने NUGS की वीडियो में तुमसे कहा था, रिक्वेस्ट करी थी कि मैं NLS तभी लेकर आऊंगा जब तुम 1000 हिट करवाओगे, तो हाँ तुमने अपना काम किया। अब नाउ इट्स माई टर्न टू गिव माई बेस्ट टू दी बेस्ट कॉलेज, दी बाप कॉलेज सभी के। जी हाँ, हम लोग आज बात करेंगे यार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इंडिया बैंगलोर के बारे में। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर लोग जो मेरी वीडियोस को इसलिए देखते हैं ताकि उन्हें वीडियोस में कॉलेजेस के बारे में खराब चीजें मालूम पड़ पाए, तो शायद वो आज डिसअपॉइंट होके जाएं, बिकॉज भाई थंबनेल से हम पूरी वीडियो में एग्री कर रहे होंगे, बाप कॉलेज है तो इसमें यार नहीं होती हैं कमियां। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है ना, तुरंत पहुंच जाओ। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए वीडियो को देखना है यार। बाकी जिस तरह से प्यार दे रहे हो दोस्त, प्लीज प्लीज उसको कंटिन्यू रखो। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, पहले इसको चेक करो यार, सारे कॉलेजेस को खोल के रख दिया हम लोगों ने और बचे हुए आ रहे हैं, तो जो तुम्हारे दोस्त हैं उन तक पहुंचाओ। क्लैट बहुत पास है यार, हर किसी को अंदर से बूस्टअप होकर इन दिनों पढ़ने की जरूरत है, तो उन तक इन वीडियोस को पहुंचाओ और उन्हें याद दिलाओ कि उन्हें इस ड्रीम कॉलेज पहुंचना है, इतनी मेहनत करनी है, और उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करो। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि NLSIU बैंगलोर इतना खास क्यों है यार। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, बहुत पुराना कॉलेज है दोस्त, बहुत पुराना कॉलेज है, इसके बाद भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही हो रखा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर से याद आया, तुमने कॉलेज तो भी घूमा नहीं, ठीक है चलना है, देख के आना है, पूरा एंजॉय करना है, तो चलो भाई कॉलेज को घूम कर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर पर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में, NLSIU बैंगलोर। हर बच्चे का सपना, हर उस लॉ स्टूडेंट का सपना जो इस तैयारी को शुरू करता है। भाई मैं तो बताता हूँ अपनी पर्सनल कहानी, ये जो पिक्चर है ना, इस लाइब्रेरी की पिक्चर, इसकी तो बात ही निराली है। ये रूम में लग जाती है दोस्त, ये सपनों में घूमती है क्लैट एस्पिरेंट्स के, क्योंकि बैंगलोर जाना है, एनएलएस जाना है, यही चलता है। कोचिंग के टीचर से लेकर बच्चों के सपनों तक, पेरेंट्स से लेके हर कोई बस यही बात करता है कि बैंगलोर पहुंच जाओ यार, लाइफ सेट है। और मैं कह सकता हूं दोस्त, मुझसे पूछते हैं लोग कि NLU पहुंच जाऊं तो क्या लाइफ सेट है, NLU पहुंच जाऊं तो क्या सब कुछ जिंदगी एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहूंगा नहीं दोस्त, पर मैं कहता हूं कि अगर तुम जरा से भी ठीक ठाक बच्चे थे और तुम गलती से NLS पहुंच गए दोस्त, तो लाइफ सेट है, रीजन बताऊंगा, चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं यार इस वीडियो के बारे में, डिटेल्स समझते हैं बेसिक। ठीक है, कॉलेज के बारे में सबसे पहले तो यार, सबसे पुराना लॉ स्कूल है इंडिया का, अगर हम बात करें 1986 में आया था। मैं और यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा, ना तो मुझसे कहने लोगे सर BHU भी तो है, ये 5-year लॉ प्रोग्राम इंडिया के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इसकी एक लेगेसी है पूरे दोस्त, पूरे कंट्री में पूरा एक इतना बड़ा ब्रांड नेम है ना कि तुम बोल बस दो कि मैं NLS से हूं, लोग तुम्हें कंपनी में ऐसे उठाते हैं, इंटर्नशिप में ऐसे उठाते हैं कि आ जाओ, आइए आइए। और लोग वो बस बोलते हैं ना, कुछ वीडियोस में मैंने सुना है कि ऐसा नहीं, NLU पहुंच जाओ, तो मैं कहता हूं मानता हूं कि नहीं होगा, NLU में नहीं होगा, बट NLS में है दोस्त, पहुंच जाओ ना। मतलब कहते हैं ना कि 12th तक तो स्टूडेंट थे, बाद में और 12th के उसके ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं लगी तो बेरोजगार हो गए, बीच का जो फेस क्या रहा, भाई कॉलेज में इसमें हो ना, वैल्यू है तुम्हारी, या यू हैव सम वैल्यू। तुम 12th तक पेरेंट्स के अंदर थे, लेकिन अब ऑल दो पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं, बट दुनिया को पता है गया तुम कुछ बड़ा फोड़ोगे। ठीक है, ऑल दो कुछ लोगों को लग रहा हो थोड़ा बोस्ट कर रहे हैं, हो सकता है, बट ट्रुथ इज ट्रुथ। चलिए
23 एकड़ का डिसेंट कैंपस, हर वो चीज रिक्वायर्ड। वही बात कहूंगा, सुंदर सी जगह पे बैंगलोर के अंदर बना है, नगर भवी नाम की जगह हो रही है, ठीक है। 23 एकड़ का बढ़िया सा कैंपस है। फैसिलिटीज कौन कौन सी है वो आगे की साइड से मालूम पड़ रही होंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कैंपस एरिया के मामले में जितना रिक्वायर्ड है उतना एरिया मिल रहा है, ना ज्यादा ना कम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। खाली बहुत सारा फील्ड एरिया नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए सफिशियंट स्पेस होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो या और कोई चीज हो, उस चीजों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। NLUD में मुझे ये चीज कमी लगी थी, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है दोस्त। मेट्रो 2 किलोमीटर दूरी पे है, एयरपोर्ट 4 किलोमीटर दूरी, रेलवे 10 किलोमीटर, बस 5 से 10 किलोमीटर। बैंगलोर है यार, मेट्रो सिटी है, मतलब क्या दिक्कत है, था ना, टेक हब भी कहा जाता है शायद से, तो रीच करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन। यार करेंटली अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में 93 सीट्स अवेलेबल है, SC का जो है 18 और ST का 9 सीट्स, तो डिसेंट है, सही है। मेहनत बहुत लगेगी यार, अंडर 100 रैंक लाने में जान निकल जाती है क्लाइंट के अंदर, ये तुम सभी जान चुके होगे। मॉक्स के अंदर अंडर 100 में जो रैंक दोस्त ला रहे हो ना, वो लोग भी मान के चलो कि एनालिस्ट में कोई श्योरिटी नहीं है तुम्हारा हो ही जाए, क्योंकि मॉक्स की रैंक्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं जितने, क्योंकि तुम अभी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में फाइट कर रहे हो ना, अभी तुम और बड़े एकदम जब अपने एरेना में आओगे, जब सारे बच्चे ऑल ओवर कंट्री के तुम्हारे साथ फाइट करेंगे, तब तुम्हारी रैंक्स पीछे जाएंगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त कि इन 93 सीट्स में पहुँचना अपने आप में मतलब क्लैट का एग्जाम देने के लिए तो तुम साल भर मतलब रगड़े हो ना, वो ये उसका शिखर है। इसके अंदर आ जाओ, इससे ज्यादा ऊपर क्लैट का एग्जाम देता ही नहीं है, शिखर है ये, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए सर फी स्ट्रक्चर, इस पे मैं ऐसे करूंगा हाथ और बोलूंगा जितनी भी होगी दे दी जाएगी, ठीक है। चलो देखो, ज्यादा है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा है और एनालिसिस के बारे में मामले में, लेकिन आपको उतनी क्वालिटी उतनी चीजें प्रोवाइड करी जा रही होंगी, समझने की कोशिश करो कैसे। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा यार, ये दी ओनली यूनिवर्सिटी है जहां ट्राई सेमेस्टर होता है, दी ओनली, केवल ऐसा ही एकमात्र एनएलयू जहां ट्राई सेमेस्टर होता है, यानी कि दो सेमेस्टर्स मैंने बताया था तुम्हें हर वीडियो में कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है ना, मतलब कि 5 साल में कितने 10 सेमेस्टर, यहाँ पे 1 साल में 3 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 5 साल में 15 डिविजन। ऑल दो सब्जेक्ट्स ज्यादातर तुम कहोगे सर यहाँ कोई अलग पढ़ाई होती है, हम कहते हैं सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है, आपको भले ही उतने ही पढ़ाए जाएं, लेकिन आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो होता है ना सेमेस्टर के बाद, दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द स्टूडेंट कि वो उन सब्जेक्ट्स को औरों के कंपेयर में और ज्यादा अच्छे से तैयार करें, ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है। बाकी यार देखो, मेस चार्जेस हमारे देख सकते हैं, ट्यूशन फी थोड़ी सी ज्यादा है, आई थिंक ट्यूशन फी का ही मेजर अमाउंट है 2 लाख करीब ट्यूशन फी है, ज्यादा तो है पर सरकारी के हिसाब से, मतलब मैं कहूंगा वही बात है कि ये पहुंच जाने के बाद मैटर नहीं करता है, ठीक है। एनएलएस कॉलेज मिल जाने के बाद इसके अरेंजमेंट्स हो जाते हैं दोस्त, तो कोई भी मेरा ऐसा भाई बंधु जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो, इस चीज को देख के घबराए ना, मेहनती हो दोस्त ये तुम्हारे इंतजाम हो जाएंगे। आई विल टेल यू द वेज इफ यू आर लाइक इसमें तुम्हें वो हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू बेसिकली ये तुम कैसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट लोन वगैरह के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में भी मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, उसके लिए DM करो मुझे Instagram पे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे यार आगे की, जो होंगी हमारी एडमिशन प्रोसीजर में रैंक्स, यानी कि समझो यार जनरल में फर्स्ट क्लोजिंग रैंक इतनी थी, सेकंड क्लोजिंग रैंक इतनी थी और 58 ऐसे, इस तरह से जो है रैंक के हिसाब से, मतलब बेसिकली समझो फर्स्ट टाइम में सीट्स ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं है सारे बच्चे जो रैंकर्स आए वो पहुंच ही गए, तो छोड़ भी जाते हैं, इस वजह से करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 93 तक हम लोग पहुंच जा रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज समझने की कोशिश करनी है। SC ST PWD इनकी भी रैंक्स ये दिखाई दे रही हैं। अब एक पॉइंट टू बी मेंशन्ड है कि यार ये जो डेटा मिलता है ना, ये डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होता है, और किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर इंजाम से मैं बात करके ये डेटा निकलवाता हूँ, उनको भी इस बारे में इतनी पॉइंट स्पेसिफिकली कोई याद नहीं रखता है। तो ये जो डेटाज होते हैं, ये वाला जो मेरी वीडियो में ये इंक्लूडेड होता है, दिस इज ऑन द ऑनलाइन सोर्सेज
विच आई कलेक्ट फॉर यू गाइज, है ना। तो इनपे टोटली रिलाय नहीं करना है, बट आई वुड से कि तुम यार उस स्टेज पे अगर हो, उस लेवल पे पहुंच रहे हो, अंडर 100 की रैंक्स ला रहे हो, तो तुम्हें इस बारे में वरी करने की जरूरत नहीं होगी कि क्या है तुम्हारी रैंक, ठीक है। तुम पहुंच जाओगे अल्टीमेटली एनालिस या नालसार, और बोथ ऑफ देम लाइक दी बेस्ट, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। बी ए एल एल बी मिल रहा होता है हमें यहाँ पे यार, और हमें LLM का एक बढ़िया सा मास्टर्स ऑफ लॉ कोर्स मिल रहा होता है। 3 semesters होते हैं मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। 60 courses पढ़ाए जाते हैं, हर सेमेस्टर में 4 courses, समझ रहे हो यार, 15 × 60, भयंकर भयंकर प्रेशर 5 साल के अंदर, भयंकर भयंकर नॉलेज 5 साल के अंदर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं दोस्त, 40 नंबर के इंटरनल हो रहे होते हैं, 60 नंबर का पेपर हो जाता है। बेस्ट पार्ट कॉलेज के अभी आने बाकी हैं, अटेंडेंस के ऊपर नंबर नहीं कटते हैं दोस्त, ये कॉलेज होते हैं डेवलप्ड, ये जानते हैं कि यार बच्चे यहां तक जान लगा के पहुंचे, इनको धक्का मार के क्लास नहीं दिलवानी है, इनको एक्सप्लोर करने का मौका देना है, ये खुद पढ़ने आएंगे, इन्हें मालूम होगा कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, क्या चीज पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए। तो इनके यहाँ नंबर नहीं काटे जाते हैं दोस्त कि आओ पढ़ो नहीं तो मार्क्स काट लेंगे, तो दैट इज नॉट देयर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर फैक्ट। फैसिलिटीज देख लेते हैं, सारी वो बेसिक जो तो मुझे बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट है, इंडोर फैसिलिटीज है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है ना, स्टेट जिमनेशियम है, एरोबिक का योगा सेंटर भी हो रखा है दोस्त हमारा। लाइब्रेरी के तो क्या ही कहने भाई, क्या ही कहने, लाइब्रेरी की वो एक पिक जो है ना, वो लंबी पिलर वाली, वो ही भाई दुनिया जो को अट्रैक्ट करे हुए, हर लॉ स्टूडेंट को अट्रैक्ट करे हुए, तो मैं पिक्स भी दिखा दूंगा, ठीक है। हॉस्टल यार, हॉस्टल की डिटेल्स मैं कहूंगा बहुत ल्यूक्रेटिव, अच्छा लगा मुझे, जैसे ये गंगा, कावेरी, हिमालय, हुगली, इस तरह के हॉस्टल्स के नाम रखे गए हैं। देखिए 4 हॉस्टल्स मेल्स के लिए हैं, है ना, उसके अलावा नीलगिरी, नर्मदा, यमुना, गंगोत्री, विंध्यास, इस तरह के जो हैं फीमेल्स के लिए हॉस्टल्स हैं। तो ये चीज मुझे एज एन और जगहों पे है नहीं, जैसे मैंने शायद आज ही एनुअल की वीडियो में बनाया था, उसमें 4-5 हॉस्टल्स थे, बट देर वॉज नॉट सच काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर देयर। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, जस्ट टेलिंग यू कि हाँ आप कह सकते हो गंगा में वो रहता है कावेरी, ठीक है। चलिए सेकेंड, सबसे पहले अकोमोडेशन करते हैं। अकोमोडेशन है देखो, ये जो फर्स्ट ईयर के बच्चे पहुंचते हैं ना, उनको शेयर्ड फॉर्म में रूम अलॉट होते हैं। फिर क्या होता है कि आप जब सेकेंड ईयर में आ जाते हो, तो आपके क्यूबिकल्स टाइप के, जैसे एक रूम में घुसे वहां पे 3 पार्टीशन है, ठीक है, उस तरह का आपका पर्दा वर्दा डाल के आप अलग हो सकते हो, और वैसे आप साथ में भी हो, तो दैट काइंड ऑफ क्यूबिकल काइंड ऑफ रूम इज अवेलेबल। ऑल्सो ट्विन सीटर रूम्स आर अवेलेबल, सम सिंगल रूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो अकोमोडेशन के मामले में बहुत सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है बच्चों को, प्राइवेसी भी पूरी है, एकजुटता भी पूरी है, बेस्ट है। मतलब इतना ज्यादा सोच के हर चीज करी जाती है ना इतने टॉप क्लास कॉलेजेस में, कि पॉइंट कैसे करो कोई कमी यार, कहां से कर लोगे, ठीक है। इवेंट्स दोस्त, NLSIU बैंगलोर पूरे इंडिया में सबसे सबसे शानदार इवेंट्स करवाता है दोस्त, हाँ। एंड ये चीज तुम इससे लगा सकते हो, एनएलएसआई डिबेट साउथ एशिया भर की सबसे लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री स्टाइल की डिबेट होती है दोस्त, ठीक है, सब साउथ एशिया की, पूरे इंडिया की भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है, साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्बिट्रेशन मूट कहां होता है, एनएलएसआई का होता है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब फील भाई ले पा रहे हो, जा रहे हो तो किस लेवल का एक्सपोजर पा रहे हो दोस्त तुम, इसमें कहां से लोग जो है फाइट करने आते होंगे, उनसे तुम्हारे कॉन्टेक्ट बन रहे होंगे, तुम क्या नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है। लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइज रॉक शो जो होता है, वो भी तुम्हारा ले गाला नाम का एनएलएस के अंदर ही होता है, देख सकते हो यार फोटोज, देख सकते हो, क्या बोलूं इस कॉलेज लाइफ के बारे में, क्या मतलब, जो भाई घिसता है, जो घिसता है क्लैट के लिए, वो 5 साल तो मतलब करता है यार, मतलब ऐश होती है यार, मौज होती है, ठीक है, और उसके बाद लाइफ में रिस्पेक्ट जो तुम पाते हो वो तो अलग है ही, ठीक है, मतलब क्या बोलूं यार, नथिंग मच टू से अबाउट इट, जस्ट इट्स ऑसम ऑसम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जैसे कि NLUD में अगर कंपेयर नहीं, लोग ढूंढ जाते हैं NLUD जाऊं ये जाऊं, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो, वहाँ पे फेस्ट और स्पोर्ट्स फेस्ट का कोई इतना कल्चर ही नहीं है, तो वो चीज भी आपको यहाँ मिल रही है। लेट्स मूव अहेड,
फोटोज देख लेते हैं यार, लाइब्रेरीज देख लो, ठीक है, ये शायद कॉन्फ्रेंसेस हॉल होंगे, ये शायद क्लासरूम्स हैं, है ना। इस तरह से आपके बहुत ही अच्छे खासे रॉक बैंड वाला जो शायद शो था उसी का एक झलक देख पा रहे हो, जन्नत देख रहे हो भाई, जन्नत देख रहे हो। फिर तुम्हारे ये आई थिंक मूड कोर्ट हॉल्स होंगे या फिर आर्बिट्रेशन वगैरह के लिए कोई अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। बाकी ओवरऑल तुम्हारी फैसिलिटीज जो हैं, जो भी चीजें हैं, मतलब बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। ये रही तुम्हारी लाइब्रेरी की शानदार, इसके अंदर की फोटोज लाइब्रेरी देख पा रहे हो कितना शानदार, अलग अलग बच्चों के अलग अलग पढ़ने की जगहें हैं ना। ये तुम्हारे शायद कैंटीन वैंटीनों का खाना वाना कुछ कुछ रखा है आपके खाने पीने के, तो कितना भयंकर बढ़िया, एकदम डिसेंट भी, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, लाइक प्राइवेट लॉ कॉलेज की तरह नहीं कि बहुत पैसा लगा के बहुत ल्यूक्रेटिव बना लिया, बट ऐसा भी नहीं कि जो है पुराना है तो फिर पुराने जैसा दिख रहा है, कंटिन्यूस उसका जो है रिन्यूअल होता रहता है, चीजें एकदम डिसेंट रखी जाती हैं, ठीक है। कर्फ्यू टाइमिंग सर, ये भी बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे, फर्स्ट ईयर तक आप पहुंचते हो तो उनके लिए कुछ कुछ टाइमिंग है, वैसे बताया कि बहुत ही ज्यादा ऐसे नहीं कह सकते हैं कि छूट टाइप की है, परेश मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि 8 बजे आपकी कर्फ्यू टाइमिंग फर्स्ट ईयर की तो है, इसके बाद भी शायद आप जो है कमिटीज वगैरह को इन्फॉर्म करके जा सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि मतलब बंदी की जगह कर जाएंगे, गेट एंट्री नहीं होगी, ये सब चीजें नहीं। और सेकेंड ईयर से दोस्त नो रेस्ट्रिक्शन, कितने बजे भी आओ कितने बजे भी जाओ, कोई रोक ना कोई टोक। क्या चाहिए तुम, क्या चाहिए। नुसरत की वीडियो याद है यार, 10 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है, 11 बजे 10 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है, 3 बजे लाइब्रेरी बंद होती है दोस्त यहाँ पे रात में, समझे। कब तक पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, और भाई यहाँ के पढ़ते हैं यार लोग, लाइब्रेरी का मैक्सिमम यूज करते हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लॉ स्कूल के अंदर लाइब्रेरी की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आई एम सेइंग कि बताओ अभी तक ढूंढ पाए कमी दोस्त नहीं मिल रही है, इसका भी रीजन है, आप पहले आप नए कॉलेज में पहुंचे, थोड़ा समझो देखो, है ना, ऐसे शहर को भी जानते हो आप पहले साल के अंदर, उसके बाद धमाच चौकड़ी शुरू, ठीक है, क्लियर है। प्लेसमेंट सर, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है, जब हम सोचते हैं अपनी क्लैट की जर्नी शुरू भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा लॉ करके भी अच्छा पैकेज लग जाएगा, तो एनएलएस का पैकेज कितना है सर देखिए जी, आप 15 से 18 लाख का एवरेज पैकेज उठा रहे होते हैं, और तो और इंटरनेशनल पैकेजेस की कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं है दोस्त, बट मुझे किसी स्टूडेंट के द्वारा ही पता चला है कि 80 लाख तक का भी इंटरनेशनल पैकेज तुम्हारे एनएलएस बैंगलोर से लग चुका है। 80 लाख जाओ गिनो, ठीक है, और सोचो कि साल में कितना खर्च करोगे, ठीक है। चलो फैकल्टी ऑसम होगी यार, इस वाले में मिक्स वाला मैंने डाला नहीं है, समझ रहे हो क्यों, एनएलएस है यार, नहीं करते हैं, ठीक है। रिसर्च सेंटर्स में यार ऐसा बताया जाता है कि एनएलएस की रिसर्च मेथोडोलॉजी पेडागॉजी, मतलब एनएलएस की जो पूरा रिसर्च एनवायरमेंट है, एनएलएस के रिसर्च सेंटर्स हैं, वो पूरे इंडिया के अंदर जाने जाते हैं। बच्चे एनएलएस के यहाँ रिसर्च सेंटर्स में इंटर्नशिप करने के लिए मरे जाते हैं बेसिकली, आई वुड से कि मिल गई ना, लाइक एवरेज मीडियम रेंज के लॉ कॉलेजेस का पता क्या होता है बच्चों का, दे आर लाइक एनएलएस में यार मेरी इंटर्नशिप लग गई इस वाले सेंटर में, हैं सच्ची, दैट काइंड ऑफ लाइक होता है। सो डेफिनेटली यहाँ के सर्टिफिकेट्स की भी वैल्यू है, डेफिनेटली यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा होता है, लर्निंग अच्छी होती है, सो इस वजह से चीजें बहुत अच्छी हो रही होती हैं। और कितने सारे रिसर्च सेंटर, आपको क्या पढ़ना है यार, क्या पढ़ना है, किसके बारे में डिटेल्स जाननी है, हर वो चीज अवेलेबल है, समझ पा रहे हो। हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं। कमिटीज दो यार, जो मैंने तुम्हें बताया ना, इतने अच्छे फेस्ट होते हैं साउथ एशिया की सबसे बड़ी, वो तुम्हारी डिबेट होती है, ये सब कौन करता है यार, एडीआर इतना बड़ा कॉम्पिटिशन कौन करता है, ये बच्चे खुद करते हैं इन कमिटीज के थ्रू। एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कैंपस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमिटी, कल्चर एंड फाइन आर्ट्स कमिटी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, और देखते जाओ दोस्त, मूट कोर्ट सोसाइटी, फाइनेंस कमेटी, लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी, स्पोर्ट्स कमेटी, स्टूडेंट एडवोकेट कमेटी। यार समझ पा रहे हो, फील ले पा रहे हो, कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि ये सारी
इतने अच्छे से फंक्शन करती हैं कि इनके अपने पर्सनली जो जो ये कंडक्ट करवाती हैं वो इंडिया में दी बेस्ट लेवल का है. तो डोंट यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कमिटी? डोंट यू वांट टू बी दी पार्ट ऑफ नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर? दोस्त क्या किस चीज का इंतजार है? नींद आ रही थी इस वीडियो से पहले क्या? जीके याद करने से पहले आलस आ रहा था? सोचो जरा, अगर यहां पहुंच गए दोस्त क्या होगा? तो इस सब जरा जो है थॉट से अपने आप को जो है एकदम फायर अप कर लिया करो दोस्त, ठीक है? बहुत अच्छी चीज है यार, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे. देखो गिन नहीं पा रहे हैं, कमिटीज नहीं गिन पा रहे हैं, ठीक है? इवन मैंने कुछ कुछ छोड़ी दी होंगी, तब मेन जो मुझे समझ में आई उनको उठाया तब, है ना? आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे यार कि क्या चूज करूं क्या ना करूं, ठीक है? व्हाई एनएलएस आयु, व्हाई नॉट का आंसर यार देख लिया. अब व्हाई के आंसर देख लो, फैकल्टी बढ़िया, एलुमनाई बेस बढ़िया. एलुमनाई बेस की तो बात नहीं कर पाया, बताता हूँ यार. मैंने तुम्हें बताया है ना, किसी कॉलेज के अगर आप सीनियर हो, मतलब आपका किसी, आप जैसे अगर आप खुद ही सोचो, आप जैसे अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए, है ना, या फिर इस तरह देखो, अभी ट्वेल्थ से ग्रेजुएट हो गए हो ना, ट्वेल्थ पास कर लिए ना, तो ट्वेल्थ में जैसे अभी आपका कोई जूनियर के सेम स्कूल का बच्चा होगा, वो पूछेगा कि भैया ऐसे ऐसे क्या करूं मैं कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए? तो ज्ञान देने बैठ जाओगे? कुछ सपोर्ट तो उसे करोगे एटलीस्ट, चाहे बिजी होगे तो भी कोशिश करोगे, हाँ थोड़ी सी स्क्वायर कर दो, सिर्फ इस वजह से ना कि वो तुम्हारे स्कूल में है, और किसी को बताओ कि हाँ मेरे स्कूल का एक बच्चा है. इसी तरह से दोस्त, जब तुम जब कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनी जॉब लेवल पहुंचते हो, तो मान लो तुम्हारे कॉलेज का कोई बंदा किसी जगह पे पहले ऊपर जगह पे बैठा हुआ है, और तुम पहुंचते हो वहां जॉब लेने, तो क्या तुम वो तुमसे वो कनेक्ट नहीं बनाएगा कि हाँ यार ये मेरे कॉलेज का है, हेल्प कर देता हूँ थोड़ी? अच्छा ये बताओ, कनेक्ट बनाने छोड़ो, औरों के ऊपर तुम्हें प्रेफर करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, अगर तुम्हारे स्किल लेवल्स भी ठीक ठाक हैं, है ना? तो वही बता रहा हूँ, 86 के बाद और इतनी खतरनाक प्लेसमेंट होने के बाद आज बहुत सी लॉ फर्म्स में एनएलएसआई बैंगलोर के बच्चे भयंकर भयंकर जगह पर बैठे हुए हैं. तो यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट में इसलिए दिक्कत नहीं आती है दोस्त, समझ पा रहे हो, है ना? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही, ये एक प्रोडक्ट का एक ब्रांड का भी इंफ्लुएंस पड़ता है, ठीक है? सब कुछ है यहाँ दोस्त, जो तुम एक चाहते हो इंडिया के अंदर, जो तुम बेस्ट पा सकते हो वो है यहाँ पर. व्हाट एल्स आर यू सर्चिंग फॉर? इसी के साथ यार वीडियो खत्म करते हैं, होप तुम लोगों को पसंद आई होगी. जिस लोगों की हो, मतलब इस वीडियो से एज इन बहुत आशाएं जुड़ी थी और बहुत डिमांड कर रहे थे, उन सभी को मैं होप करता हूं कि लाइक सेटिस्फाई वो कर पाया होगा कि तुम खुश हुए होगे. अगर हाँ तो इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, लाइक करो वीडियो को, और जितना फैला सकते हो, जितना मतलब सबसे ज्यादा धाकड़ कॉलेज है तो सबसे ज्यादा धाकड़ व्यूज भी आने चाहिए. ग्रुप्स में शेयर करो दोस्त, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिसको दिखाना दिखाओ, बैठा के मम्मी पापा को दिखाओ, मम्मी मैं यहाँ जाऊंगा, मैं एनएलएस जा रहा हूं, उनको बैठा के दिखाओ, उन्हें बताओ कि मम्मी ये करूंगा मैं यहाँ जाके, वो करूंगा मैं जाके. When you visualize those things, you will be able to do them. Let's work hard for it. ठीक है? So with that note, let's end the video. बाकी की वीडियो तो बहुत जल्दी आ रही है दोस्त, तो चैनल को सपोर्ट करते रहो, और तुम्हारा प्यार ही है मेरी मोटिवेशन है, ये याद रखना, उसको कम मत करना. चलो निकलते हैं, ज्ञानबाजी बहुत हो गई, टाटा बाय बाय.